नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और माघ शुक्ल पक्ष में त्रयोदश व्रत पड़ेगा फरवरी मास में, तो आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रयोदश व्रत क्यों माना जाता है। तो त्रयोदश व्रत देखिए भगवान शिव को समर्पित है और माता पार्वती और शंकर भगवान को यह व्रत बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इस दिन संध्या के समय ऐसी मान्यता है, जब शाम होता है तो जो व्रत करता होते हैं, जब पूजन करते हैं, उस समय भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती साक्षात धरती पर विचरित करती हैं और उस समय अपने भक्तों की मनोकामना पूरा करती हैं। यह भगवान शंकर शिव जी का बहुत ही लाभप्रद व्रत है और इस बार बुधवार के दिन यह त्रयोदश व्रत पड़ रहा है। बुध त्रयोदश के नाम से भी यह व्रत जाना जाएगा। तो आइए जान लेते हैं यह व्रत कितने तारीख को है। देखिए, यह व्रत इस बार 21 फरवरी के दिन पड़ रहा है, जो कि 21 फरवरी के दिन ही व्रत रखने वाले व्रत रखेंगे। और इसका जो समय प्रारंभ हो रहा है तो प्रातः के 11:30 से और 22 तारीख को दोपहर के समय 1:24 पर इसका समापन हो जाएगा। तो देखिए, इस दिन आप अगर मान्यता के अनुसार जो त्रयोदशी तिथि है वो आपका 21 तारीख को ही प्रारंभ हो जाएगा। और इसका जो पूजन का समय है तो 5:03 से शाम के समय और 7:27 तक रात्रि में रहेगा। इस समय के बीच में आप कभी भी पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव को तो सबसे ज़्यादा ऐसे तो बिलोपत्र बहुत ज़्यादा प्रिय है और माता पार्वती जी को भी जो है बिलपत्र, क्योंकि शंकर भगवान को चढ़ता है तो जो चीज़ शिव जी को पसंद है वही चीज़ माता को भी पसंद है। तो बिलपत्र और धूप दीप नैवेद्य से माता का, भगवान शिव का पूजन करें। और मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि यथाशक्ति तथा भक्ति। मेरा कहने का मतलब क्या होता है जानते हैं? हर लोग जो भी त्रयोदश व्रत करते हैं उसमें सब पैसे वाले नहीं होते या सब अमीर नहीं होते, कुछ उसमें से सामान्य परिवार से भी लोग रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा व्रत। देखिए, भगवान मन के अंदर श्रद्धा देखते हैं, अगर आप उन्हें सब कुछ समर्पित कर दें, पर अगर आपके अंदर मन में श्रद्धा नहीं है तो आप जो है कि भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा मैं आपको उत्तम चीज़ बताऊँ, अगर आप सामर्थ्यशाली हैं, अगर समर्थ हैं, हर चीज़ में सामर्थ्यशील हैं, तो आप भगवान शिव को धूप दीप नैवेद्य द्वारा उनका पूजन करें, विधि विधिवत से त्रयोदश व्रत का जो कथा होता है उसका पाठ करें और माता को लाल पुष्प जो है अर्पित करें। भगवान शिव को लाल नहीं पसंद है, इसलिए उन्हें सफ़ेद पुष्प या जो है पीला पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, पीला पुष्प उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो यह आपको जानकारी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पूजा से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी मैं देता रहूँगा। आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।